हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड पुडिंग रेसिपी, इजी एंड सुपर टेस्टी डेजर्ट। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड जिसको मैंने साइड से कट कर लिया है, 2 एग, 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1 कप मिल्क, 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी और चीनी पाउडर 4 बड़े चम्मच, मेल्टेड बटर 3 टेबल स्पून, सबसे पहले हम अपने ब्रेड को बीच में से कट कर लेंगे और इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। ब्रेड को हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे और अब एक बाउल में हम अपने एग्स डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास दूध ऐड करेंगे। अब इसमें हम अपना ब्रेड क्रम्ब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सारा ब्रेड का हम एक साथ नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। हमारा मिक्सर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में ढककर रख देंगे। अब हम अपनी कैरामलाइज शुगर बनाएंगे। इसके लिए हम 2 से 3 टेबल स्पून शुगर पैन में डालेंगे और 2 चम्मच पानी हम इसमें डाल के इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। इसे हमको डार्क ब्राउन होने तक पकने देना है। ये देखिए, डार्क ब्राउन हो चुका है, एकदम कॉफ़ी के कलर के जैसा। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको चारों तरफ फैला देंगे। अब हम अपना मिक्सर ऐड करेंगे और इसको फॉइल से रैप करके इसमें छोटे-छोटे छेद कर देंगे किसी नाइफ या फोक की हेल्प से। और अब हम एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल के एक स्टैंड लगा के इसको इस बाउल को उसके ऊपर रख देंगे और 40 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे। चालीस मिनट के बाद मैंने इसको निकाल दिया है, ये रेडी हो चुका है। मैंने बीच में इसको एक बार चेक कर लिया था, आप भी चेक कर लें। ये देखिए, दोबारा चेक करके दिखा देती हूँ ऊपर। ये बनकर एकदम रेडी हो चुका है। कढ़ाई से निकालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसके बाद इसको निकाल के इसको एक प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पुडिंग बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही फ्लफी एंड सॉफ्ट बना है, एकदम जेली के जैसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको एक बार आपको कट करके दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना है।
सो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।